है गाइज, वेलकम टू द एंड्रॉइड गाई चैनल। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको Realme Narzo N63 4G को कंपेयर करने वाला हूँ Realme Narzo N65 5G के साथ, और बताने वाला हूँ कि इन दोनों स्मार्टफोन्स में क्या क्या डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज़ हैं और कौन सा स्मार्टफोन आपको परचेस करना चाहिए। सो गाइज, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बट उससे पहले, अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तब आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं Realme Narzo N63 से। तो इसमें आपको एक 6.74 इंच का HD+ IPS LCD डिस्प्ले मिलता है। Realme Narzo N65 में आपको 6.67 इंच का HD+ IPS LCD डिस्प्ले, N63 में आपको 415 nits का ब्राइटनेस मिलता है, N65 में आपको 625 nits का। यहाँ पे N63 में आपको 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलता है, N65 में 120 हर्ट्ज़ का। एंड N63 में आपको Unisoc T612 मिलता है चिपसेट, एंड N65 में Dimensity 6300। N63 में आपको 4GB रैम एंड 128GB रोम मिलता है, N65 में 6GB रैम एंड 128GB रोम। N63 में आपको 4GB एक्सटेंडेड रैम मिलता है, N65 में आपको 6GB। एंड जो कैमरा है वो आपको दोनों ही में सेम मिलता है, 50 megapixel का एंड 8 megapixel का सेल्फी कैमरा। एंड जो बैटरी है वो आपको दोनों ही में सेम मिलता है 5000 mAh का। चार्जिंग में डिफरेंस है, N63 में आपको 45W का फास्ट चार्जिंग मिलता है, N65 में आपको 15W का। एंड यहाँ पे आपको दोनों ही में एंड्रॉइड 14 आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा, एंड Realme UI 5.0 साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दोनों ही स्मार्टफोन्स में दिए गए हैं। N63 में आपको NFC का सपोर्ट मिलता है, N65 में NFC सपोर्ट नहीं दिया गया है। एंड N63 में ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट मिलता है, N65 में आपको ब्लूटूथ 5.3 दिया गया है। दोनों ही में 3.5mm ऑडियो जैक मिलता है, एंड 2 कलर ऑप्शंस दोनों ही में मिलते हैं। एंड जो प्राइस है वो N63 का प्राइस है 7,999 rupees, एंड N65 का प्राइस है 10,499 rupees। सो गाइज, इन दोनों स्मार्टफोन्स में 2,500 rupees का जो है प्राइस डिफरेंस है। बट इस प्राइस डिफरेंस में आपको बहुत कुछ जो वो डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले डिस्प्ले जो है उसमें आपको डिफरेंस मिलता है। यहाँ पे N63 में आपको 6.74 इंच का HD+ IPS LCD डिस्प्ले मिलता है, N65 में आपको 6.67 इंच का। रिफ्रेश रेट में आपको N63 में 90 हर्ट्ज़ मिलता है, N65 में 120 हर्ट्ज़। रिफ्रेश रेट के बाद जो ब्राइटनेस है उसमें भी डिफरेंस है, N63 में आपको 415 nits का ब्राइटनेस मिलता है, N65 में आपको 625 nits का। तो ब्राइटनेस पे आपको N65 में ज़्यादा देखने को मिलता है। प्लस सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे चिपसेट में है, N63 में आपको Unisoc T612 मिलता है चिपसेट, एंड N65 में आपको MediaTek का आपको Dimensity 6300 जो है चिपसेट मिलता है, जो 5G चिपसेट है। एंड यहाँ पे आपको 4GB रैम एंड 128GB रोम जो है आपको N63 में मिलता है, N65 में आपको 6GB रैम एंड 128GB। एक्सटेंडेड रैम में भी डिफरेंस है, N63 में 4GB एंड N65 में आपको 6GB एक्सटेंडेड रैम दिए गए हैं। और यहाँ पे जो डिफरेंस है वो आप आता है चार्जिंग में, N63 में आपको 45W का फास्ट चार्जिंग मिलता है, N65 में आपको 15W का। एंड N63 में आपको NFC का सपोर्ट मिलता है, N65 में NFC नहीं दिया गया है। ये सब डिफरेंसेस हैं। और एक और यहाँ पे डिफरेंस निकल कर आता है, वो है इसके ब्लूटूथ वर्जन में। N63 का जो ब्लूटूथ वर्जन है वो है ब्लूटूथ 5.0, एंड N65 का ब्लूटूथ वर्जन है ब्लूटूथ 5.3। तो यही सब जो डिफरेंस है इन दोनों स्मार्टफोन्स में। मेरा मानना है कि चार्जर जो यहाँ पे थोड़ा लैग कर रहा है N65 5G में, बट N65 5G जो है वो बेटर ऑप्शन है 2,500 rupees अगर आप एक्स्ट्रा स्पेंड करते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको जो है वो एक अच्छा डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट और एक चिपसेट काफ़ी अच्छा मिलता है, और 5G प्रोसेसर है ये। तो 5G जो है वो अब इंडिया में बहुत नॉर्मल होने वाला है 2024 में, तो यहाँ पे आपको 5G फ़ोन के साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि ये फ्यूचरिस्टिक भी है और 4 ईयर तक आपको कोई भी प्रॉब्लम ये फ़ोन नहीं देगा, अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। सो गाइज, अगर आपको मेरे ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो नीचे कमेंट करें, मैं आंसर ज़रूर दूंगा।